पिता की मौत पर शौक के बजाय बेटियों ने किया डांस, जाने क्या है पूरा मामला। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी बेटियों के सामने एक इच्छा रखी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत को मातम के बजाय किसी बड़े उत्सव की तरह मनाया जाए और शव यात्रा भी धूमधाम से निकाली जाए। मौत पर शौक तो सभी मनाते हैं, लेकिन मौत पर डांस की खबर आपने शायद पहली बार सुनी होगी। नोएडा की चार बेटियों ने अपने पिता की मौत पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। इन बेटियों ने पिता की मौत पर रोने के बजाय डांस किया। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल पान सेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि भाई लालवानी को गुरुवार रात ब्रेन स्ट्रोक हुआ और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। हरि भाई लालवानी गुटखा किंग के नाम से मशहूर थे। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी बेटियों के सामने एक इच्छा रखी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत को मातम के बजाय किसी बड़े उत्सव की तरह मनाया जाए और शव यात्रा भी धूमधाम से निकाली जाए। हरि भाई लालवानी की बेटियों ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उनकी शव यात्रा को बड़ी धूमधाम से निकाला। बेटियों ने बैंड बाजे का इंतजाम किया और शव यात्रा के दौरान डांस भी किया। चारों बेटियों ने अपने पिता के शव को कंधा दिया और एक बेटी ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। प्रिंस गुटखा के मालिक रहे लालवानी वर्ष 1990 के दशक में नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। हरि भाई लालवानी ने साल 1990 में दिल्ली में छोटी सी पान की दुकान से अपना सफर शुरू किया था। ये सफर इतना लंबा और सफल रहा कि उन्हें गुटखा किंग का किताब भी मिल गया। अब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अपने पिता के शव यात्रा में उनकी बेटियों का नाचना सही था या गलत। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।